ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार। घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एक बेजोड़ तिलक दे रहा हूँ। तो साथियों, सब तिलक को दिन में लगाया जाता है, लेकिन यह तिलक रात्रि में सोते समय लगाना है। यह गजब का तिलक है। तो साथियों, यह ऐसा तिलक है कि आपको गरीब से अमीर बना देगा। तो मित्रों, आप देखे होंगे या देखते होंगे, आपके गांव में, आपके अगल बगल गांवों में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं करते हैं और वह लाखों में नहीं करोड़ों में खेल रहे हैं और उनका मान सम्मान भी उतना ही है। तो जिन व्यक्तियों के पास धन होता है, वैसे व्यक्तियों का कहीं भी मान सम्मान होता है। बिना धन वाले का कहीं मान सम्मान नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो साथियों, इसका मुख्य कारण है कि उन व्यक्ति का शुक्र ग्रह बलवान है। तो जिन व्यक्तियों का शुक्र ग्रह बलवान होते हैं, उनके पास धन दौलत दौड़ते हुए आता है और मान सम्मान भी वैसा ही प्राप्त होता है। तो धन के जरिए ही मान सम्मान भी बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी अपने शुक्र ग्रह को बलवान करूं और हम भी धनवान बनूं, तो इस उपाय को जरूर कर लें और इस वीडियो को, इस उपाय को अच्छी तरह से समझें। तो मित्रों, इसके लिए आपको दो सामग्री लेना होगा। छोटी वाली इलायची और देसी गाय का घी 100 ग्राम और थोड़ा सा इलायची, छोटी वाली, हरी वाली, बढ़िया, जिसके अंदर सख्त दाना हो, और लेकर इसको जलाकर भस्म बनाना है और शुक्रवार के दिन ही ये भस्म बनाना है और उपाय को भी शुक्रवार से ही करना है। तो मित्रों, चलें सबसे पहले हम आपको बताऊं कि भस्म कैसे आप बनाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आप इलायची छोटी वाली ले लीजिए। आप देखिए इसको, यही छोटी इलायची है, इसको ले लीजिए। और दो दीपक, एक छोटी वाली दीपक और एक बड़ी वाली। तो छोटी वाली में आपको इलायची रखना है। मित्रों देखिए, छोटी वाली में ऐसे इलायची को रख लीजिए और इस दीपक को जमीन पर रखिए, बराबर बैठा दीजिए जमीन पर, और बैठाने के बाद ऊपर से बड़ी वाली से ढक दीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये सुरक्षित हो गया। अब इसके ऊपर कूड़ा करकट, घास फूस, साफ सुथरा जो हो, रख के और आग जला दें और पूरा कूड़ा करकट रखें जो कि आधा घंटा तक जले इसके ऊपर। और जल जाने के बाद जब आप देखें कि खूब जल गया होगा, राख बन गया होगा, तब जो है यह जब ठंडा हो जाए मिट्टी का दीपक, तो राख को हटा दीजिए और इसको ले लीजिए। और लेने के बाद किसी पत्थर पर ये जले हुए राख को अच्छी तरह पीस दें और पाउडर बनाकर, एक कांच का शीशी हो या प्लास्टिक का साफ सुथरा डिब्बी में आप इसे रख लें। अब ये आपका तिलक हो गया तैयार। तो शुक्रवार के दिन में ही इस भस्म को तैयार करना है। आप दिन में कभी भी कर लें और शुक्रवार के दिन रात्रि में जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं, तो सोने से पहले थोड़ी सी भस्म को ले लीजिए
और थोड़ा सा घी लेकर के ऐसे मिलाइए, और मिलाने के बाद आप देखिए ये दोनों आंखों के सामने यहाँ इस तिलक को लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है मित्रों, यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ इस तिलक को लगाना है। तो मित्रों जब लगातार आप 7 दिन तक कर लेंगे, अब प्रतिदिन करना है शुक्रवार से, तो आपको रात्रि में स्वप्न के माध्यम से आपको मालूम होगा कि आपका धन कैसे आएगा और आप कब से आगे बढ़ेंगे और आपके लिए धन कहाँ है, यह सब कुछ है आपको मालूम होता रहेगा स्वप्न के माध्यम से। और शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएंगे कि आपको धन की समस्या दूर हो जाएगी, तेजी से धन आएंगे, लाखों में नहीं करोड़ों में आप खेल सकते हैं, और जहां जाएंगे वहां मान सम्मान भरपूर मिलेगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूं जिन जिन व्यक्तियों के शुक्र मजबूत होते हैं बिना पूजा पाठ तंत्र मंत्र के धन दौड़ते हुए आते हैं, जीवन खुशहाल बनते हैं, घर परिवार से सभी दुख मुसीबत कष्ट बाधाएं दूर भाग जाती है। तो मित्रों इससे ग्रह भी मजबूत होते हैं, और सबसे पहला काम है शुक्र ग्रह खूब मजबूत होते हैं। इस तिलक को लंबे समय तक करिए, यह मत सोचिए कि मैं 10 दिन कर लिया हो गया, नहीं मित्रों, जिस चीज से हमें धनवान बनना है तो उसे जीवन में करते रहने से कोई इतराज न करें। परिश्रम एक बहुत भारी चीज है, यह एक कर्म है, और वह कौन सा कर्म है, शुक्र ग्रह को बलवान करने वाला कर्म है, उपाय है। तो साथियों यह एक छोटा सा उपाय से आप अपने भविष्य को चमका सकते हैं, अपने परेशानी मुसीबत गरीबी को कोसों दूर भगा सकते हैं। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।